नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है शुभ रहे, पर आज के दिन में कुछ टिप्स ना तो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। तो होली के दिन पे क्या करना चाहिए, होली के दिन क्या ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत छोटी छोटी रेमेडीज दूंगी। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा रहती है, घर पे भी बहुत ज्यादा जो है नकारात्मक एनर्जी ज्यादा दिखाई देती है, ब्लैक मैजिक हो चुका है, बहुत सारी चीजों से जो है परेशानी से जो है आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए जो है होली के लिए जो है उपाय लेके आई हूँ। ये उपाय आपने जरूर कर लेना है, आज का दिन काफी ज्यादा जो है शुभ होता है। तो सबसे पहले जो ये बात होती है कि नारियल जो है, जैसे कि शाम के समय जब भी होली का दहन होता है, तब आप जो पूजा, जब भी पूजा करते हैं आप अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से हर पूजा अलग होती है, हर रिलेट के हिसाब से अपने हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। नॉर्मल पूजा होती है, बाद में जो है जैसे कि पूजा, जब भी आप पूजा करने जाए, होली के दहन पे आप पूजा करने जाए, तो पूजा करते समय जो है आपने एक काम कर लेना कि अपने सर के ऊपर से जो है 11 बार जो है नारियल उतार के जो है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, नारियल उतार के जो है आपने जो है होली के दहन में जो जलती होली जो रहेगी उनके अंदर जो है आप डाल सकते हैं। जैसे जैसे वो जलती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर की नकारात्मक नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक जो है ये रिमूव होते जाएगा। ये चीजें जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो है अपने बॉडी के ऊपर एक नींबू या फिर दो नींबू जो है घुमा के, उल्टी उल्टे घुमाना है, और ये उल्टे घुमाने के बाद उसके ऊपर जो है आपने सेंदूर लगा लेना है या फिर लाल कुमकुम भी चलेगा। तो ये दोनों लगा के जो है काट के लगाने के बाद जो है ये भी जो है अपने होली के अंदर जो है आप डाल सकते हैं। ये चीजें करने से बहुत ज्यादा नकारात्मक एनर्जी या फिर किसी की जलेसी, किसी की रोक टोक, जो कुछ भी चीजें जैसे कि लोग आपकी तरफ चलते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है ये दूर हो जाएगी। साथ ही साथ घर पे बहुत ज्यादा जो है नकारात्मक एनर्जी आती है, उसके लिए तो मैं बाद में बताऊंगी, पर आपके धन के लिए, आपके लिए बरकत होनी चाहिए। तो बरकत के लिए क्या करें, बहुत ज्यादा जो होती है कि पैसे नहीं आ पा रहे, कोई पैसे जो लेके गया वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो पैसे की बरकत के लिए बात करते हैं। तो पैसे की बरकत चाहिए आपको, जैसे कि पैसे ज्यादा, फाइनेंशियल आपकी आर्थिक स्थिति जिसके लिए बढ़े, तो आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं, पीले वाले 11 गोमती चक्र लेने हैं, साथ में आपने जो है 7 कौड़ी लेना है। ये दोनों जो है पीले वाले लेके जो है आपने अपने, जब भी आप प्रदक्षिणा करेंगे होली दहन की, जब भी आप प्रदक्षिणा करेंगे होली की, तो प्रदक्षिणा करते समय अपने हाथ में रखिए, विश मांगे, और वो ही जो है वहां पे जमीन की मिट्टी उठा के लेके आए, और वो कौड़ी और जो है आपने जो है गोमती चक्र जो है और साथ में मिट्टी जो है बांध के, लाल कपड़े में बांध के जो अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर घर पे जो है आपने हैंगिंग करके जो है दरवाजे के पीछे जो है टांग सकते हैं। ये चीजें करने से आपके घर पे जितनी भी आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो गई थी, ये स्थिति जो है सुधर जाएगी। साथ ही साथ आपको बता देते हैं एक बहुत ही अच्छा सा अचूक उपाय कि आपको अगर किसी से पैसे मांगने, जैसे कि किसी ने पैसे नहीं दिए है, तो करना क्या है, तो आपने लेने ही काली हल्दी, 2 काली हल्दी लेनी है, साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 कौड़ी, पीली वाली कौड़ी लेनी है, और एक पेज के ऊपर या फिर आपने जैसे उधर तेज पत्ते के ऊपर या फिर भोज पत्र के ऊपर आप कोई भी एक पत्ता उठा सकते हैं, इन तीनों पत्ते पे उनका नाम लिखना है कि ये पर्सन जो है प्लीज मुझे जो है पैसे लाके दे, प्लीज मेरी जो इतनी आप जो है प्लीज मदद कीजिए। तो ये चीजें करके आपने लिख लेना है, ये सारी चीजें जो है आपने लाल कपड़े में बांध के जो है अपने बॉडी से घुमा के जो है, मतलब 9 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, एंड ये चीजें जो है आपने जो है होली दहन में जाके डाल देनी है। ये चीजें करने के बाद आपको फौरन जो है आपके पैसे जितने भी अटके होंगे, जिसने भी पैसे लिए होंगे, वो वापस आपको जो है मिल जाएंगे। ये चीजें काफी ज्यादा जो है इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जो रेमेडीज मैं जितनी भी दे रही हूँ, ये चीजें जो आपको काफी ज्यादा जो है काम आएंगी। साथ ही साथ आपके घर पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है या फिर कहीं जो है आपके हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा आते हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही करना है कि जब भी होली दहन होने के बाद जो है दूसरे दिन जो है राख जो होती है वो शांत हो जाती है, तो वो दूसरे दिन की जो राख होती है अपने ज्यादा करके 1 kg तो भी जो है वहां से राख लेके आने, राख ज्यादा होती है तो 1 kg तो भी राख लेके आने, डब्बे में भर के रख देनी है। ये जो राख जो है अपने घर के जो है कॉर्नर में जो है चारों कॉर्नर में जो है डाल के रख देनी,
फिर दूसरे दिन जो झाड़ू लगा के पोछा हो जाता तो भी कोई बात नहीं, पर ये हर मंथली उसकी जो राख होगी तो अपने हर मंथ में जो है ये राख जो है चारों कॉर्नर में डाल के जो है आपने रख लेना है, फिर बाद में जो है झाड़ू हो जाएगा तो चला जाएगा। फुल मून के दिन कर सकते हैं पर आप पूर्णिमा के दिन ही करना है, इसको अमावस्या के दिन नहीं करना है, मंथली में एक बार आपने रख लेना है। ये चीजें करने से आपके घर पे जितनी भी नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक एनर्जी आती है या फिर ब्लैक मैजिक जो हो चुका है ये दूर हो जाएगा। साथ ही साथ उस राख को लेके जो है अपने घर के डोर के पीछे भी बांध सकते हैं। अगर घर पे किसी की बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू आती है तो उनके सर के ऊपर, माथे के ऊपर, गले के ऊपर आप लगा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी जो राख जो है पानी के अंदर डाल के भी आप जो है पानी पिला सकते हैं अर्जेंट में। ये वक्त पे काम करना है, ऐसे अदरवाइज नहीं करना है, अगर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू आ जाती है तब। तो ये चीजें करने से जो है आपके घर की हेल्थ इश्यू, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी जितनी भी सारी चीजें आ चुकी है ये चली जाएंगी। साथ ही साथ आपने जो है महामृत्युंजय का मंत्र का जाप जो है जरूर कर लेना है। ये जब से जो है कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये मंत्र को जाप करने से और वो राख लगाने से जो है आपकी सारी चीजें जो है दूर हो जाएंगी। ये उपाय को आपने जरूर कर लेना है। होली का दहन साल में एक बार होता है एंड ये होली चीज जो है काफी फुल मून का भी इसमें रिएक्ट होता है और काफी चीजें जो है आपको जो है बहुत ज्यादा जो है लाभ देती है। तो ये फुल मून के दिन ही जो उपाय करना जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपको ये रेमेडीज करनी ही करनी है। साथ ही साथ मैं ऐसे ही कुछ न्यू वीडियोस के साथ आऊंगी और ये रेमेडीज के साथ आपके जब भी कुछ रिजल्ट आता है या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट आपको महसूस होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी बहुत ज्यादा कीजिए। प्लीज सबको शेयर कीजिए, ये सारे जो टिप जो है सबके पास पहुंच जाए एंड सबका कुछ ना कुछ जो है थोड़ी बहुत चीजें जो है ठीक हो जाए। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।